Congratulations to us, finally. We didn't do it. Takes all the credit. नतीजा क्या होता है और फिर आगे क्या होता है, और उसके आगे अगर मैं कुछ बोल दूं तो आप पिक्चर नहीं देखेंगी, और द होल पॉइंट इज कि आप पिक्चर देखें इन अ नटशेल। हाँ नहीं, मैंने अनुपम खेर के साथ मैं तेरा हीरो में भी मस्ती की, हाँ उनको बहुत सरदर्द दिए, लेकिन पहली बार हम लोग इस पिक्चर में मिले। जी इसका कोई कहना नहीं है मैडम, नौकरी मिलती है हम नौकरी करते हैं, कभी कॉमेडी मिलती है कभी ड्रामा मिलता है। थैंक यू। यस विवेक अग्निहोत्री इज अ मैड मैन एंड ही नीड्स टू बी लॉक्ड अप एंड ही वर्क्स हार्डर देन एनीबॉडी आई नो, एंड इस दिन इस फिल्म का रिलीज होने का सिर्फ विवेक अग्निहोत्री का हाथ है। हम लोग तो भूल ही गए थे, आगे काम पे निकल गए थे, ये इस पिक्चर को लेके कोशिश किए और आज ये पिक्चर रिलीज़ होने वाली है या कल रिलीज़ होने वाली है, तो विवेक अग्निहोत्री ये उनका वीकेंड है। मोहिंजदारो कमाल की पिक्चर है, बहुत पिटाई हुई, मैंने ऋतिक को धो 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 डाला, और बहुत एक्साइटिंग फिल्म है। हम लोग की एक्शन टीम मैट्रिक्स की एक्शन टीम थी, वेरी एक्साइटिंग। तो अभी सब खत्म हो गया, अब डबिंग वबिंग बाकी है, फिर अगस्त में निकलेगी। एक्सलेंट, थैंक यू, थैंक यू। माय मूवी आई थिंक आई लव्ड द एक्सपीरियंस, द होल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म, क्योंकि एक तो मैंने बहुत बड़े और अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, अनुपम जी हैं और पल्लवी जोशी हैं और हमारे साथ अनुरुद्ध हैं, सब तो माही है, तो इनसे काफ़ी मैंने सीखा और मज़ा आया। बस मैंने फिल्म ऐसे किया जैसे मैं मज़ा कर रही हूँ, आई जस्ट एंजॉयड वर्किंग इन द फिल्म।
बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है. शी इज़ अ वेरी आउटगोइंग गर्ल. और जैसे कि आजकल लड़कियां हैं बहुत आउटगोइंग एंड लो, शी डजंट थिंक फॉर शी स्पीक्स बिकॉज देयर इज नथिंग इन अ हार्ट विच शी वॉन्ट्स टू कीप. आई मीन शी इज़ अ वेरी ओपन गर्ल. शी डजंट टॉक अबाउट और थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, बट वट एवर इज राइट शी टॉक्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. देखिए, बुद्धाना ट्रैफिक जैम जो है ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के बीच में है. नेक्सल एनजीओ एकेडमिया का जो नेक्सस है उसके बारे में है. तो एक अल्टरनेट नैरेटिव है ये पॉलिटिक्स को लेके. एंड आई थिंक शायद द फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट पे समबडी हैज मेड अ फिल्म. अब देखिए, टू इंडियाज तो हैं ही. एक तरफ जहाँ पे आईपीएल चल रहा है, लाखों लोग वहाँ पे चीयर्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बच्चे वो लकड़ी को तोड़ तोड़ के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. तो ये टू इंडियाज़ तो हैं ही. लेकिन अगर हमें ये डिस्पैरिटी अमीर और रईस और हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में कम करनी है तो वी नीड वन रेवोल्यूशन. एंड वो रेवोल्यूशन क्या होगा इसके ऊपर पूरी फिल्म में जिद्द बहस. देखिए, मैं पिछले 45 दिन से नॉन स्टॉप हिंदुस्तान के टॉप 30-35 इंस्टीट्यूट से फिल्म को प्रीमियर कर रहा हूँ. और हमारे घंटों घंटों क्वेश्चन आंसर चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ. और आपको पता होगा कि दो दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में रायट्स हो गए इतने बड़े. तो आप समझ सकती हैं कि यानी कहीं पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक नया ऑल्टरनेटिव नैरेटिव मिला है जिसमें वो डिबेट कर रहे हैं. खेर साहब एक इसमें बड़ा वंस इन अ लाइफ टाइम का रोल कर रहे हैं, और उनने उसको ज़िंदा कर दिया. जो कैरेक्टर है उसको एक अलग रूप दे दिया है, और वो इतना अच्छा उनने प्ले किया है. आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा ये अरुणोदय और खेर साहब की लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज. नहीं, देखिए ये सब बड़े फिल्मी सवाल हैं. ये फिल्म उस तरह से बनी नहीं है कि टाइमिंग वाइमिंग वाले. इसमें सिर्फ उन लोगों ने काम किया है जो अपने दिलो जान से इस फिल्म को बनाना चाहते थे. आपको शायद पता नहीं, हम सब लोग जाके हॉस्टल में रुके, और खेर साहब, मैं, अरुणोदय, सब लोग हम हॉस्टल में रुके जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं. ये उस तरह की फिल्म है ही नहीं है एक्चुअली. ये बिल्कुल नॉन फिल्मी फिल्म है, इसलिए लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है सडनली इतनी न्यूज़ में कैसे आ गई, इतनी बस कैसे क्रिएट हो गई. इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा बहुत अलग तरह की फिल्म है.